हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट, दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल ब्रिंग्स वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इन दरभंगा, एकमी घाट, बल्लोपुर, लहेरियासराय, दरभंगा। एडमिशन ओपन। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, अंतर जिला इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार। दरभंगा सहित मुजफ्फरपुर जिले के कई थानों में दर्ज है मामले। दरभंगा से यह बड़ी खबर है, जहां दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा जाले कमतौल थाने के लूट, डकैती और मद्य निषेध मामले में फरार चल रहे अंतर जिला इनामी अपराध कर्मी को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से कई प्रकार के आपत्तिजनक सामान भी पुलिस ने बरामद किए हैं। उक्त बातों की जानकारी देते हुए दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मोनू मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर मिथिला प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गिरफ्तार अपराधी मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना निवासी राजकिशोर मिश्रा का पुत्र मोनू मिश्रा दरभंगा और मुजफ्फरपुर के इलाकों में आपराधिक घटना को अंजाम देता था, जिसे दरभंगा पुलिस ने 5 फरवरी को गिरफ्तार किया है। वहीं उन्होंने कहा कि मोनू मिश्रा के खिलाफ दरभंगा जिले के अलावा मुजफ्फरपुर जिले के कई थानों में कांड दर्ज हैं। एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने कहा कि सिंहवाड़ा थाना की पुलिस ने डीआईयू टीम के मदद से गुप्त सूचना के आधार पर 5 फरवरी को इसे गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि उक्त मोनू मिश्रा के खिलाफ विभिन्न मामलों में अलग अलग कांड के लिए क्रमशः जाले, कमतौल, सिंहवाड़ा सहित मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना, बोचहा थाना और करजा थाने में मामला दर्ज है। एक अपराधी का गिरफ्तारी हुआ है, उनका नाम मोनू मिश्रा है। ये रहने वाला है धनौर साकेत धनौर थाना कटरा का है, जिला मुजफ्फरपुर। इनका ऊपर हमारे यहाँ बहुत सारे केस में वांटेड थे, जैसा सिंहवाड़ा कमतौल जाले थाना में लूट, डकैती और मद्य निषेध एवं उत्पात अधिनियम के अंतर्गत भी इनका हम लोग वांटेड थे। तो कल इनका गिरफ्तारी हुआ है, जो थाना अध्यक्ष सिंहवाड़ा और हमारे जो डीआईयू टीम है वो सब लोग जाके इनको गिरफ्तारी करके मुजफ्फरपुर से गिरफ्तारी किया गया है। और इनके ऊपर 25,000 रुपये इनाम घोषित किया गया था हमारे जो दरभंगा क्षेत्र के आईजी सर के द्वारा, मिथिला क्षेत्र के। तो इनका गिरफ्तारी जो टीम है उनको हम लोग 25,000 का जो इनाम है उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा। जो गिरफ्तार जो भी मद्य निषेध वाला, उसमें भी 14 लोगों का नाम था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, मैक्सिमम लोगों का, कुछ बचे हैं इसमें। और ये टोटल 7 अभी हमको आपराधिक इतिहास मिला हुआ है, जो मद्य निषेध का है, लूट का है, मर्डर का है, तो इसी टाइप का इनका आपराधिक इतिहास रहा है।